हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक न्यू प्रोडक्ट, एंड मेरे लिए भी ये न्यू है। एंड साथ ही साथ मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करके भी आप लोगों को बताऊँगी कैसा है ये प्रोडक्ट। सो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे वाओ स्किन साइंस के न्यूली लॉन्च्ड माइसलार मेकअप रिमूवर का। ओके, सो ये वाला जो मेकअप रिमूवर है गाइस, ये है रेंज ग्रीन टी से है। सो ग्रीन टी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। माइसलार वाटर में ग्रीन टी यूज़ की गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मेकअप हम लोग इतना अच्छे से यूज़ करते हैं, इतना हैवी यूज़ करते हैं कि हमारी जो स्किन होती है वो डैमेज तो होती है। तो मेकअप रिमूवर जो होता है उसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया है, जो हमारी स्किन को ग्रीन टी की गुडनेस भी देता है। सो ये चीज़ अच्छी है। तो ये आपको रिसीव होता है विद इन विल ब्रश। एंड देखा जाए तो इसकी जो पैकेजिंग है ये थोड़ी सी इनोवेटिव है, क्योंकि ये मेरे लिए एकदम न्यू है। मैंने बहुत सारे माइसलार वाटर यूज़ किए हैं, बहुत सारे मेकअप रिमूवर बाम्स यूज़ किए हैं, एंड साथ ही साथ में मैं वाइप्स भी यूज़ करती हूँ। बट देखा जाए तो ये वाला जो टेक्निक है मेकअप को रिमूव करने का, ये बहुत ही इनोवेटिव है। साथ ही साथ में आप सोच सकते हो कितने अच्छे से आपके स्किन से मेकअप को रिमूव करता है, क्योंकि अगर देखा जाए मेकअप की, तो हम मेकअप को कितनी लेयर बाय लेयर यूज़ करते हैं। हम लोग सनस्क्रीन भी यूज़ करते हैं, जो बहुत मुश्किल से रिमूव होता है। उसके बाद हम लोग प्राइमर का यूज़ करते हैं, जो हमारी स्किन को लाइक मेकअप को होल्ड करके रखता है। एंड इसी के साथ में हम लोग मेकअप फिक्सर भी यूज़ करते हैं, जो बिल्कुल मेकअप को कहीं जाने नहीं देता है, तो इतना टॉप होता है। एंड साथ ही साथ में फाउंडेशन लेयर बाय लेयर, कंसीलर, ब्लश, हाइलाइटर, एंड अगर आपने आई शेडो यूज़ किया है जो कि ग्लिटर होता है, वो बड़ी मुश्किल से जाता है। तो इतनी सारी मेकअप होती है जो हम लोग अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। एंड मेकअप करने के टाइम तो फिर भी बहुत मज़ा आता है, बट जब मेकअप रिमूव करना होता है तो बहुत ज़्यादा बोरियत फील करती हूँ। मुझे बिल्कुल रिमूव करने का मन नहीं करता, क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन होती है एक एक चीज़ को रिमूव करना। बहुत बार मस्कारा रिमूव होता ही नहीं है, बहुत बार लिक्विड लिपस्टिक रिमूव नहीं होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ उस चीज़ से। बहुत घस घस के निकालना पड़ता है। सो ये तरीका मुझे अच्छा लगा। इसके जो ब्रिसल्स है गाइस, वो बहुत सॉफ्ट है। एंड अगर आप लोगों ने वाओ के जो फेस वॉशेज है वो यूज़ किए हैं, तो आपको एज इट इज़ जो है इसका मेकअप रिमूवर भी रिसीव हो रहा है। उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, एज अ फोमिंग जो कि माइसलार मेकअप रिमूवर है। एंड आपको एज अ फोम रिसीव होता है माइसलार वाटर, एंड बहुत इजीली आप इससे अपने मेकअप को क्लीन कर सकते हैं। जो इसमें यूज़ किया गया है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ग्लाइकोलिक एसिड, एंड साथ साथ में इसमें प्रो वाइटामिन B5 का यूज़ किया गया है, जो हमारी स्किन से मेकअप को रिमूव करने के बाद हमारी स्किन में बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन लेवल देते हैं। साथ ही साथ में हमारी स्किन को एक ग्लोइंग इफेक्ट देते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम मेकअप को रिमूव करते हैं ना, हमारी स्किन बहुत डल नज़र आती है। बट अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपकी स्किन डल नहीं नजर आएगी, आपकी स्किन बहुत अच्छे से क्लीन करता है ये। एंड इसी के साथ में जो वाओ के प्रोडक्ट्स है गाइस, उसमें जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उसका यूज नहीं किया जाता है। सो ये पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, एंड इसमें आर्टिफिशियल कलर का यूज़ नहीं किया गया है। एंड ये जो प्रोडक्ट है गाइस, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है। एंड इसी के साथ में ये ऑल स्किन टाइप के लिए, कोई भी स्किन टाइप वाले आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया। ग्रीन टी हर स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। एंड इसमें यूज़ किया गया है 97.5% प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट। एंड अगर आप इसके QR कोड को स्कैन करते हैं ना गाइस, तो आप प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी पता कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। सो ये जो माइसलार वाटर है गाइस, ये आपकी स्किन को क्लीन करता है। अगर नॉर्मली देखें, अगर आप मेकअप भी यूज़ नहीं करते हैं, बट डेली रूटीन में अगर आप बाहर जाते हैं, बाहर से आते हैं, तो आपकी जो स्किन होती है उसमें पोल्यूशन, डर्ट बहुत अच्छे से चला जाता है। तो आप एज अ क्लिंजर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग फेस वॉश करते हैं, वैसे ही आप अपनी स्किन में जो डर्ट या पोल्यूशन होता है उसको क्लीन करने के लिए इसको जस्ट टॉप अप कीजिए, अच्छे से मसाज कीजिए, एंड देन आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए अपने फेस को। तो उससे आपकी स्किन के जो पोर्स होती है, उसमें जो गंदगी होती है, ऑयल होता है, उसको भी बहुत अच्छे से निकालने में हेल्प करता है। एंड एज अ मेकअप रिमूवर तो ये बहुत अच्छे से काम करता ही है। एंड सो एज अ कंप्लीट क्लिंजर की तरह ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। आपकी स्किन से मेकअप को भी रिमूव करता है, आपकी स्किन को क्लिंज करता है, एंड आपकी स्किन को काम करने में हेल्प करता है। मेकअप रिमूवर है गाइस, ये आपकी स्किन को एक ही बार में क्लीन करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ में आपकी जो स्किन है उसमें से डर्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है, आपके नेचुरल ऑयल्स को बिल्कुल नहीं छेड़ता है, जिससे आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं करती है। एंड जब आप इसे यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन जो है बहुत ही फ्रेश फील करती है, एंड बहुत ही सॉफ्ट फील करती है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए गाइस, जैसे कि ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ग्लाइकोलिक एसिड, एंड इसमें यूज़ किया गया है प्रो वाइटामिन B5, हमारी स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ में हमारे कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं।
एंड इसमें जो इनबिल्ट ब्रश का यूज़ किया गया है ये डीपली आपके स्किन से इम्प्योरिटीज़ को क्लीन करने में हेल्प करती है एंड आपके स्किन के पीएच लेवल को ये बैलेंस रखने में हेल्प करता है। एंड हम लोगों को जैसे कि कभी भी हम लोग मेकअप रिमूवर यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें अलग से कॉटन पैड खरीदना पड़ता है, कॉटन बॉल्स लेने पड़ते हैं। इसके साथ आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको अलग से कॉटन बॉल या कॉटन पैड्स में डालना पड़े, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप डायरेक्टली जो है इस ब्रशेस से अच्छे से मेकअप को रिमूव कीजिए सर्कुलर मोशन में, जैसा एज अ फेस वॉश करते हैं वैसा। तो वो चीज़ मुझे अच्छा लगा। अभी मैं आप लोगों को इसे यूज़ करके बता देती हूँ कि ये कितनी हद तक लाइक मेकअप को अच्छे से क्लीन करता है या किस तरीके से क्लीन करता है, कि सारी चीज़ें ये क्लीन कर पाता भी है कि नहीं कर पाता है। मैंने फेस पे बेस मेकअप कर रखा है, लाइनर यूज़ किया है एंड लिपस्टिक है जो कि लिक्विड लिपस्टिक है एंड मुझे ये मोस्टली बहुत मुश्किल से रिमूव लाइक मैं कर पाती हूँ, बट ये वाला चेक करूँगी ये किस तरीके से रिमूव करता है। सो चलिए इसे यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट गाइस अगर देखें तो इस तरीके से आप पम्प करते हैं तो आपका प्रोडक्ट जो है आप देख सकते हैं एज अ फोम निकल रहा है जो कि बहुत अच्छा है। तो ज़्यादा जो है प्रोडक्ट क्वांटिटी आपको इसमें नहीं चाहिए होगी, तो मैं डायरेक्टली इस तरीके से इसको मसाज करती हूँ। अभी मैं लिपस्टिक पे जैसे अप्लाई करूँगी ना आपको पता चल जाएगा। नहीं ये दिख रहा है, अगर देखें तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से लाइक कलर चेंज हो चुका है इसका। तो आप देख सकते हैं पूरा रेड हो चुका है, मेरा मुंह भी पूरा लाल हो चुका है बंदर की तरह। आप चाहे तो डायरेक्टली जो है ब्रश से भी आई मेकअप को रिमूव कर सकते हैं, बट इसमें मेंशन भी किया गया आप अपने हैंड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। सो थोड़ा सा मैं लेके अपने आईलाइनर को हटा दूँगी और आईब्रोज को भी। ओके सो मेरा लाइनर भी अच्छे से रिमूव हो चुका है एंड अभी मैं अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ क्योंकि मेरा मेकअप पूरा निकल चुका है एंड मैं आपको अपना पूरा क्लीन फेस अच्छे से दिखाऊंगी। एक चीज़ मैं आपको मेंशन करूँगी गाइस, जब भी आप मेकअप को रिमूव करते हैं ना तो आप इसको ज़रूर वॉश कीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छे से देख सकते हैं कितना गंदा सा हो चुका है, बहुत ही गंदा हो चुका है क्योंकि इतना जो मैंने तामझाम लगा रखा था वो सारा इसमें आ चुका है ब्रश में। तो ब्रश अच्छे से क्लीन होना चाहिए, तो मैं अपने फेस को एंड ब्रश को अच्छे से क्लीन करके आती हूँ। फाइनली गाइस मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है एंड आप खुद देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ज़्यादा क्लीन नज़र आ रही है। ऐसे ही पानी से अपने फेस को अच्छे से वॉश किया ना तो मेरी स्किन बहुत अच्छे से क्लीन हो गई, इवन सारा मेकअप जो है निकल गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, आपको ज़रूर से अपने फेस के साथ साथ इस ब्रश को भी क्लीन करना है जब भी आप यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्लीन करने के लिए। तो आप ज़रूर से इसे स्किप मत कीजिएगा, फेस जब भी क्लीन करें इसको ज़रूर क्लीन कीजिए क्योंकि इसकी हालत भी बहुत ख़राब हो जाती है, आपके फेस से इतना गंदगी निकालता है तो ब्रश तो बहुत गंदा हो ही जाता है, तो आप इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिए। ओके अब बात करते हैं मेरी स्किन कैसे फील कर रही है। सर मेरी स्किन यार सीरियसली बहुत स्मूथ फील कर रही है, बहुत सॉफ्ट लग रही है, टच करने का मन कर रहा है मुझे बार बार एंड बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ फील कर रही है एंड सबसे अच्छी बात ये है बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं कर रही है। सो ये चीज़ अच्छी है, बट हाँ मेकअप रिमूव करने के बाद आप ज़रूर से टॉपअप कीजिए मॉइस्चराइज़र से, लिप बाम लगाइए जो कि मैंने अप्लाई कर लिया है। ओके सो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है, आप डेफिनेटली गाइस इसको ट्राई कीजिए। न्यू मेरे लिए था क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है एंड मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ इस चीज़ से क्योंकि ब्रिसल्स के साथ बहुत अच्छा लगता है यूज़ करने में, सारा पोर्स से क्लीन हो गया है एंड साथ ही साथ में स्किन बहुत अच्छा फील कर रही है। सो अब डेफिनेटली मेरी तरफ से थम्स अप है, जाइए चेकआउट कीजिए, परचेस कीजिए एंड यूज़ कीजिए। सो वीडियो कैसा लगा है ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आज का वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड या शेयर करना मत भूलिएगा। सो या गाइस से हेलो टू फ्रेश लुक, बी वाओ नेचुरली।